Mr. Rajiv Vigmer, अपना करियर एज हेड कार रेंटल बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस से शुरू किया. इन अ स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स वो आज ओनर एंड MD ऑफ कार्स ऑन रेंट, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार रेंटल एंड रेडियो टैक्सी फ्लीट ऑफ 7,500 कार्स है. हाँ जी हाँ, कार्स ऑन रेंट इज अ हाईली एंड रिलायबल reputed car rental service of India and is the master licensee of Hertz International, which is the world's largest car rental service provider. The journey from professional to entrepreneur has been swift, spectacular and sensational. So aiye chaliye, let's catch up with Mr. Rajiv Vig of Cars on Rent. Main hoon Neva Jain. Welcome to Z Business and welcome to another episode of The Big Idea. Hello, Mr. Rajiv. Hello, how are you? Wonderful to have you on The Big Idea. And aapse sorry bol rahi hu, thoda cramped up hai, but I was keen ke humko authentic shoot karna tha. Absolutely. In the premium section of Cars on Rent. Thank you so much. So this is the premium car. Yes. जो रेंट होता है कार्स ऑन रेंट के साथ. अच्छा, थोड़ा पीछे जाना है मुझे और आपसे ये पूछना है राजीव जी, जब आपने शुरुआत किया, यू वर अ हार्डकोर प्रोफेशनल, आई मीन ट्रूली अ प्रोफेशनल डेविंग इनटू मेनी मेनी डिफरेंट प्रोफेशनल स्पेसेस, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बन गया क्यों? कहते बहुत अच्छा स्टोरी है, यू नो, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना ये स्टोरी किसी को भी बोलता हूँ. सारी पिछले 15-20 साल की पूरी सब याद आ जाती है. तो देखिए, पहले तो व्हेन आई स्टार्टेड, एज यू नो, मैं तो पहले सबसे पहले मैं गाड़ियाँ बेचता था. हिंदुस्तान मोटर्स में काम करता था, बिरला जी के साथ में एम्बेसडर कार बेची मैंने बहुत साल. एंड जब वो कार मैं बेचता था, यू ऑल्सो रिमेम्बर, एम्बेसडर कार बहुत टैक्सी वाले लोग खरीदते हैं, तो मैं हमेशा समझने की कोशिश करता था कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे वो अपना बिजनेस मैनेज करते हैं, कैसे पहले ड्राइवर होते हैं, फिर एक गाड़ी खरीदते हैं, फिर दूसरी गाड़ी खरीदते हैं, क्या विजन, माय गॉड. और उस समय मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी अपने आप भी ये बिजनेस करूंगा, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को बहुत उस वक्त उन लोगों के ऊपर, एंड यू नो, अभी तो देखिए टैक्सी ड्राइवर्स बहुत पैसे कमाते हैं, उस टाइम के ऊपर टैक्सी बिजनेस में कोई बहुत कमाई नहीं थी, बहुत इनकम नहीं थी. ड्राइवर भी 2-4-5 हजार रुपए कमाता था 20 साल पहले. करेक्ट. तो बट मेरे को ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता था. देखिए लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते एक ओनर हो जाते हैं, फिर अपना बिजनेस रन करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करते हैं. बट मैंने उसको कहीं, आई थिंक मेरे अपने दिमाग के किसी कंप्यूटर के किसी कोने के अंदर वो सब इंफॉर्मेशन स्टोर करके मैंने रखा. आई लाइक द मेटाफोर. उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ज्वाइन किया. इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस में हमारे पास यूरोप कार का फ्रेंचाइज था, तो उसमें कुछ गाड़ियां थी, बिजनेस में टेस्ट आया, बिजनेस में लॉसेस होते थे वहां पर. बट मैंने उस बिजनेस को पूरा रिवैम्प किया, उस बिजनेस को बिल्ड किया. 5 साल मैंने वहां नौकरी किया और इस बिजनेस को मैंने बहुत स्टडी किया. मैंने देखा कि इंडिया में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड व्हाट डू ऑल दीज बिग ब्रांड्स, व्हाट डू दे डू, हाउ डू दे ग्रो, एविस, हर्ट्स, बजट, कंफर्ट, लीज प्लान. मैं इन सब लोगों के साथ जाके मिला एंड यू नो आई गॉट अ लॉट टू लर्न एज टू ग्लोबली ये सब ब्रांड जहाँ आज पहुंचे हैं वहाँ पहुंचे कैसे, कैसे पहुंच गया, क्या किया इन्होंने. एविएशन इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो इनके क्या होता है, किसी कंट्री में रोड्स बनते हैं तो क्या होता है, जब सेल्फ ड्राइव आता है तो क्या होता है, लीजिंग बिजनेस होता है तो कैसे ग्रो होता है. जॉर्ज स्लैश लर्नर. तो मैं वो सब स्टडी करता रहा. करेक्ट. मेरे को उसमें इंटरेस्ट बहुत आता था, बट
मेरे को ये भी हमेशा लगता था कि ये जो बिजनेस है ये बहुत टफ बिजनेस है यार। आज भी सब लोग मेरे को कहते हैं कि यार हमसे एक ड्राइवर नहीं मैनेज होता, तुम ये 10,000 ड्राइवर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो? यार राइट, हमारा ड्राइवर स्टाफ को मैनेज करने में, सो यू नो इसलिए मेरे को उस समय भी डर लगता था कि बिजनेस ऑल्सो, आज तो लोग एग्रीगेशन मॉडल और ये वो सब बोल रहे हैं, उस समय ये बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी था, आज भी है। लेकिन उस समय फर्क नहीं है 20 साल के अंदर, अभी क्या है, अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी में है, मार्केटिंग में है, ब्रांड में है, व्हिच यू डू टू ग्रो। बट उस समय इवन कार्स के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट होती थी, बिकॉज आपको हर बार जब आप गाड़ी खरीदते थे तो आपको लोन चाहिए, बैंक का लिमिट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, टैक्सेस करने होंगे, तो सब चाहिए, पार्किंग चाहिए, सब चाहिए। वेरी गुड। सो 2000 में जब मैंने डिसाइड किया कि अभी नौकरी बहुत हो गया। रियली? एंड हाउ ओल्ड यू दैट? मैं उस वक्त आई वाज 38। So, मेरे को मेरे सब फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने कहा करके कि यार तुम मतलब तुम पागल हुए हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना अच्छी नौकरी करते हो। एंड यू नो आई हैड अ डॉटर हु वाज ग्रोइंग अप, सो माय वाइफ आल्सो सेड दैट यू नो डोंट मेक दिस मिस्टेक, यू आर इन अ गुड जॉब, यू वर्किंग इन ITC, यू आर कंफर्टेबल जॉब, सो अपना नौकरी करवा। मैंने कहा यार नहीं। आपको जो पता था, ये भी बोला हाँ कि यार ये टैक्सी कोई बिजनेस थोड़ी होता है। ये वो लोग करते हैं, आप देखिए जनपद के ऊपर जाएं, आप टैक्सी स्टैंड है बहुत से, जैसे हम कनॉट में इंटरव्यू ले रहे हैं आपको, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जनपद से कहाँ से वीडियो कॉन टावर, आप अपने कितने फ्लोर। लोगों ने ये भी बोला, उन्होंने कहा यार लोग जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते वो टैक्सी बिजनेस में जाते हैं, एंड इतना सब MBA किया, FMS में गया, सब कुछ किया, अभी तुम क्या सक्सेसफुल प्रोफेशनल। फिर ये भी बोला कि यार तुम इतना पैसा कहाँ से लेके आओगे, और पैसा मेरे पास था भी नहीं। एंड मेरे को ये भी मालूम था कि इसमें आगे जाके और भी बहुत पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। We have to take a little break, Rajivji, but I am just recapping the big Indian, the big fat Indian dream. Mr. Rajivji, you did it. But ek chota sa break. Folks, break time, please don't go away. Wapasi aake, in conversations with the founder of Cars on Rent, Mr. Rajivji. Back again in conversations with Cars on Rent founder Mr. Rajiv Vij. So Rajiv ji, does it feel amazing or does it feel amazing? कहाँ से कहाँ पहुँच गया? देखिए मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा। जब आपने वाइफ ने बोला नहीं अब नौकरी नहीं छोड़ना। But I must also tell you that my family was extremely supportive because ek bari jab maine decision liya to meri wife ne, meri bitiya ne, un dono ne bahut support kiya, mere brothers ne, mere parents ne, sabne support kiya, unhone kaha acha bhaiya tumko karna hai, you want to follow your dream, follow, go and do that. Everybody we've interviewed for the big idea session. Acha fir aap bata rahe the ki paisa nahi tha. So everything was going against you, just your dream. So मैंने सबसे पहले ये बिजनेस शुरू करने के लिए गाड़ी खरीदना था, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा तो नहीं था। मैंने जब शुरू किया ये बिजनेस तो मेरा टोटल जो इक्विटी मैंने डाला वो 29 lakhs। And you must have collected it from here, there, everywhere. So I, you know, whatever savings that I had, I put into this business, and I said we'll do this business. एंड मैं बिजनेस शुरू करना चाहता था तो इनिशियली 30 कार्स आई वॉन्टेड टू बाई। 30 कारें उस समय भी देवर अबाउट रफली अबाउट 1.5 crore। एंड व्हेन आई थॉट अबाउट दिस
I felt that, you know, it is going to be very, very difficult to get it. So fortunately, I had some friends in ICICI Bank, in HDFC Bank. मैंने उसको जाके बताया कि मैं ये करने वाला हूँ. And they were very supportive because, you know, they also believed that, that, you know, I would probably do something. So they did the funding for my first lot of cars. And that was a big help because that is how the business started. उसके बाद से तो 29 lakhs is how we started. I also remember, you know, we started very, very humbly. We started from a second floor, 400 square feet space in Bhikaji Kama Place in Delhi, a residential space in Mumbai in Santa Cruz, and a mezzanine space in Bangalore. That's how we started. I still remember. That when I went to these landlords to negotiate for the rent and the security deposit, I would haggle with them, yeah, security deposit matlab. Because I want to use that money to run my business and to build my business. Rajivji, what was the point jab aapko pata tha ki there's no looking back? No, that, let me tell you, I think when I got into it, I was very clear that I have to succeed. Because I had put my career, all my savings, all my future, it was a make or break. So I had no choice. I had to succeed. So that was the energy that propelled you in the early years. That was the energy that propelled me and that made sure that I would keep running and make sure that I would succeed. उस वक्त कभी एक पॉइंट हुआ जब आपने सोचा? ये तो कभी नहीं हुआ. बहुत प्रॉब्लम्स था. जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी परचेज करने के लिए प्रॉब्लम था, ड्राइवर्स नहीं मिलते थे, ड्राइवर्स को रखने में प्रॉब्लम था, स्पेस लेने में प्रॉब्लम था, लोगों को सबको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट देने में प्रॉब्लम था, लोगों को अब एम्प्लॉइज थे, हर महीने उनका सैलरी पे करना होता था, मैं सैलरी नहीं ड्रॉ करता था. कितने साल आपने ड्रॉ नहीं किया? मैंने करीब 1.5 साल तक मैंने कोई सैलरी ड्रॉ नहीं किया. इंस्टेड मैं हर महीने, बिकॉज मेरा वाइफ उस वक्त नौकरी करती थी, तो मैं उससे पैसे लेके मैं हर महीने कंपनी में पैसे डालता था. वो सब करता था. आज वो क्या बोलते आपके बारे? क्या बोलते आज? No, she is very happy. She is. No, I mean, it's 15 साल के बाद वो क्या बोलती है? She is very proud. She's proud. वो ही मुझे सुनना था. But you know, she is also a very contented person. She still says very good. Just keep thanking God that, you know, He's been kind to you. Seriously, राजेश. और वो अभी नौकरी कर रहे हैं तो. So वो दिन जो आपने अपने मिसेस को बोला कि नौकरी छोड़ा. That was a big day, right? You know, मेरे को याद है जब मैंने उनको बोला, पहले मैंने कई बारी बोला उनको कि अच्छा भाई अभी बिजनेस ठीक है, इनकम है, अब छोड़ दो. Sometimes she didn't agree. But after about 4 years of my starting, then she agreed. What a lady. I always say behind any man is a greater woman. Absolutely. अच्छा राजीव जी, circa to the present. एक चीज जो काफी काफी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी. लाइक आप ऊबर को देख रहे हो, ये वो मेनी मेनी हुएवर एल्स आर योर कंपेटिटर्स, हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी फॉर वर्कर्स? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सेफ्टी का इशू है और ये जो अभी इंसिडेंट्स जिसके बारे में आपने अभी कहा, ये जो है ना, ये बेसिक बिजनेस के लिए अप्रोच का इशू है. I think इस बिजनेस के अंदर सरकार का भी और हर एक जो इस बिजनेस में ऑपरेट करता है उसका खाली एक ही कमिटमेंट होना चाहिए, वो है पैसेंजर सेफ्टी. एंड ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ प्लेयर्स, चाहे वो अपने आप को टेक्नोलॉजी प्लेयर कहें, एग्रीगेटर कहें, कुछ भी कहें, बट आई डोंट थिंक दे हैव ए राइट to flout the law, because the law is only trying to ensure safety. It is trying to do nothing else. I think everybody must operate. Everybody must operate on that. You must operate within the framework of the law. अगर law बोलता है कि आपको हर एक गाड़ी में GPRS लगाना है तो लगाना है.
अगर लॉ बोलता है कि आपको हर एक ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन करना है तो करना है। ये पॉइंटर्स जो है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर आपको टेक्नोलॉजी पहले दिन से यूज करनी है तो आपको करनी है। आप यू नो आप उसको फ्लाउट करके आप बिजनेस करने की कोशिश करें, दैट इज नॉट राइट। एंड सो हमने कुछ नहीं ऐसा किया विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट यू आर फॉलोइंग द नॉर्म्स। हमने ये इंश्योर किया है कि यार हमारा हम इस इंडस्ट्री में है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पैसेंजर जो हमारी गाड़ी में बैठता है उसको सेफ कंफर्टेबल जर्नी मिले। हमारा ड्राइवर, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसकी एक प्राइवेट एजेंसी से वेरिफिकेशन होगी, तो डबल डबल। फिर उसको बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा जो बैंक का KYC करेगा, फिर वो अपना पैन नंबर लेगा, सो इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसका इज ऑल्सो कर लेगा। We have to take a little break, Rajiv ji, but that is actually the crux. Then, kisi aur ne aise bola nahi. Ek chote sa break lenge, folks. Please don't go away. Break ke baad phir se aapka swagat hai. As we are in conversations with the founder of Cars on Rent, Mr. Rajiv Vij. So, Rajiv ji, ye jo perspective aapne diya, these are the cruxes. So then there is no question of having safety become an issue if all these particular mediums are addressed and taken into by the proprietors. Fantastic. Achha, Rajiv ji, in your business, it is capital intensive. How were you able to get from the 29 lakhs that you started to the next round of super blue chip company funding that you've had? So, you know, today, of course, everybody talks about big money coming into this industry. When I started back in 2000, people looked at this industry as a taxi business. And then, you know, nobody looked at this as an industry. People also said that, you know, what are you talking? When I remember in 2004, I first time went to pick up private equity money. Private equity players had never heard of a taxi player or a car rental company coming to them to raise capital. And when I would go to them, they would say, you know, you are talking about this being an industry. You are also saying that you will give a exit to these investors. You will give multiples. Or you will go and list this company on the stock exchange. Or somebody else, global player, will come and buy. But so, you know, very interestingly, in 2005, we became the first company in this space to raise private equity money. What a moment of glory, huh? In 2006, we raised a second round of money, and within 1 year, our valuation more than tripled at that point of time. And you know, of course, then we also got into leasing business, we got into cab business, we got into all branched of that. Out, and last year, as you know, we got into miles business. Miles is the next big thing that is going to happen in this industry. My belief is that miles as a self-drive and a car-sharing business has the potential to make people think whether they should buy a second or a third car. And over a period of time, whether to even buy a car or not. Achha, bataiye Rajiv ji, for a young professional out there or a middle-aged professional, and this latest business that you're saying miles is of the future, what advice can you give for anybody who just wants to become an entrepreneur? I go and meet a lot of entrepreneurs who want to start their new businesses. I want to entrepreneur banna hai, correct? And I keep telling everybody ki dekho yaar, naukri to sab kar sakte hain. But you know, today I feel so blessed that at one time somebody used to pay me my salary. Today, when this business grows, God has chosen me as a tool to deliver something to people where they can also run their household and they can grow. And I think, you know, people in this country are very, very entrepreneurial. Indians as a mindset, entrepreneurial. There are lots of opportunities here. Correct. People have to just look at those opportunities,
put their heart and soul into it and build it. And you know, I meet a lot of young entrepreneurs. I also incidentally learn a lot from them because, you know, they come up with some brilliant ideas. But I think the energy of modern. I think the future of entrepreneurship in India is amazing, and anybody at any stage in their careers who can decide to turn entrepreneur is blessed. So what you're actually saying is never give up. The dream of being an entrepreneur. Absolutely. If you look back at your journey, a 15 saal ka jo journey hai, 5 pointers that attribute to your success. 5 pointers. I think first of all is deep understanding of this industry. Of your industry that you're in. Deep understanding of how, what. No compromise on that. No compromise on that. Kisne aise nahi bola. The second thing I think which is also what I attribute our success is very, very deep commitment to some principles. And some of the principles that I have followed is that as a company we will never ever violate any law of the land. Business or no business, law will not be violated. Profits. We will never ever try and shortchange on the tax rules, on any of the legislation, statutory duties, etc. And we had Big Four accounting firms doing our audit when we were a nobody. And you didn't compromise. What has been happening. And then, so you know, we have followed some of those principles. The third thing I think is that don't get disheartened. Remain focused. Remain also flexible. Mm-hmm. So if there are market situations that are changing, there is no need for a knee-jerk reaction. Yeah. There is no need to panic. Yeah. Sit there in the zone. Do your thinking. Yeah. Do what you make some adjustments. Yeah. But then move forward. Okay. And fourth? The fourth thing is, and if you do your business right, money will happen. How it will happen, that. I don't know. No, why universal. Because if you are doing your business right, then money will the come. The intention is wherever. Pure. Intention is pure. And I think the last is your people in services business are your only asset. Yeah, beautiful. But it's all about remain fair to them. Beautiful. Take care of them. They'll take care of you. Lovely, Rajiv. What an honor. Thank what you a so pleasure. Much. And how inspiring. We wish you all the best on Cars on Rent. Cars on Rent, may the next 15 years growth rate be even more exponential and stupendous. Thank you so much. Very great. I end this unique episode with, when was the last time you woke up and realized that today could be the best day of your life? Think over that powerful thought. And see you next week. Stay blessed. Neva Jain. We'll be right back.